हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित कौशल को लेकर आई हूं और हमारा आज का कौशल है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ये छठे नंबर का कौशल है और इसे स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन कहते हैं। क्या मतलब होता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल का? इसका मतलब होता है छात्रों को का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा इनके ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहार में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहा जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत क्या कौशल, किस तरह का कौशल करना है? कौशल करना है शिक्षक को, कहाँ करना है, किस तरह से करना है कौशल, शिक्षक को अपने अंदर कुछ बदलाव लाने हैं, कुछ चेंजेस लाने हैं, जिससे क्या हो कि स्टूडेंट जो है उसकी तरफ ध्यान दे, टीचर की तरफ ध्यान दे, ताकि उसका मन पढ़ने में लगे, जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसका मन उसमें पढ़ने में लगे। तो यही इसी तरह का जो उद्दीपन क्रिएट किया जाता है उसे ही उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल के लिए पाठ योजना कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए हम सबसे ऊपर लिखते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल, फिर लिखेंगे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, उसके बाद एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत ये 6-5 कॉलम होंगे जिसमें लिखेंगे दिनांक। दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप शिक्षण कार्य करेंगे। फिर लिखेंगे कक्षा 7 के लिए विषय हमारा गणित है, चक्र 1 और अवधि उसकी 6 से 7 मिनट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं प्रकरण, प्रकरण हमारा है त्रिभुज। उसके बाद लिखते हैं पूर्व ज्ञान, तो पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्रों को प्रकरण से संबंधित तथ्यों की सामान्य जानकारी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर राउंड है तो थोड़ा बहुत जानकारी बच्चों को होना भी चाहिए। और हम ये मान के भी चलते हैं कि छात्रों को थोड़ा बहुत किसी भी तथ्य चीज के बारे में पूर्व ज्ञान होता है, उसी पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें छात्र को नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद कैसे बनाते हैं, इसमें एक टेबल बनाते हैं, इसमें एक साइड ऊपर बनाएंगे, लिखेंगे क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन और छात्र कथन। शिक्षक प्रश्न करता है कि ये किस तरह की आकृति है और क्या करता है, त्रिभुज टिफिन लंच बॉक्स लेके उसमें त्रिभुज के आकार की जो है सैंडविच बना हुआ है, या फिर आप कागज से कटा हुआ त्रिभुज लेके जा सकते हैं, या फिर आप जो है चार्ट पेपर पे बने हुए डिफरेंट त्रिभुज की डिफरेंट आकृतियों को लेके जा सकते हैं उन्हें दिखाने के लिए। तो बच्चे क्या जवाब दे देंगे कि ये त्रिभुज की आकृति है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। बच्चे त्रिभुज का फोटो देख रहे हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री का यूज हुआ है, देख रहे हैं, तो साथ ही साथ देखते हुए बता देंगे कि 3 रेखाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं, कितने कोण तथा कितने शीर्ष होते हैं, तो बच्चे क्या जवाब दे देंगे। और साथ ही साथ देखिए कैसे पूछा, ये नहीं कि एक ही जगह खड़ा है, ठीक है। प्रश्न पूछ लिया उसके बाद जो साइलेंट हो जाएगा और बच्चों की तरफ देखने लगेगा, और बच्चे क्या करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे कि कितनी भुजाएं होती हैं। फिर बच्चों से बच्चे को उठा के पूछेगा तो बच्चे जवाब देंगे कि 3 शीर्ष होती हैं, 3 भुजाएं तथा 3 कोण होते हैं, क्योंकि बच्चा चित्र भी देख रहा तो उसी हिसाब से वो बता देगा कि इसमें 3 भुजाएं, 3 शीर्ष तथा 3 कोण होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ लिया कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए, और क्या कर रहा है, खुद की एक्टिविटी कैसी है कि हाथों तथा आंखों के इशारे से करके पूछता हुआ, साथ ही साथ कक्षा में सामूहिक प्रश्न पूछते हुए। ये नहीं कि एक स्टूडेंट से प्रश्न पूछ रहा है, पूरे क्लास से पूछ रहा है कि बताइए कोण के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया, उनके नाम क्या है। तो फिर बच्चे आपस में डिस्कशन करते हुए बताएंगे कि कोण जो है 3 प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज तथा अधिकोण त्रिभुज। बच्चों ने 3 आंसर दिया, अब ये शिक्षक क्या करेगा, इसका स्पष्टीकरण दे देगा कि समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी एक भुजा 90 डिग्री की होती है, न्यून कोण त्रिभुज वो होता है जिसकी एक भुजा 45 डिग्री की होती है, और अधिकोण त्रिभुज वो होता है जिसकी एक भुजा 90 डिग्री से अधिक होती है, ठीक है। बच्चों ने आंसर दिया, उसका स्पष्टीकरण करके उसने उन्हें समझा भी दिया, ठीक है। उसका इसका केंद्रीकरण का प्रश्न पूछेगा शिक्षक कि अच्छा बताइए, एक स्टूडेंट को खड़ा करके, एक स्टूडेंट को क्या करेगा, ब्लैक बोर्ड के पास बुलाएगा और कहेगा चित्र बनाकर बताओ कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। फिर स्टूडेंट आएगा और एक समकोण त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसको बना के समझा देगा कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। मतलब इससे क्या पता चला कि उसने जो समझाया बच्चे को समझ में आया, ठीक है। साथ ही साथ छात्र और शिक्षक के बीच एक अंतःक्रिया हुई कि शिक्षक की जगह छात्र हो गया, छात्र की जगह शिक्षक हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन शिक्षक करेगा कि बताओ भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताओ, और कैसे पूछ रहा है, कक्षा में बच्चों के बीच घूमते हुए प्रश्न पूछ रहा है, एक जगह खड़ा नहीं है, घूम रहा है बच्चों के बीच में और प्रश्न पूछ रहा है, और साथ ही साथ जो बच्चे जवाब दे रहे हैं उनका स्पष्टीकरण भी दिए जा रहे हैं, ठीक है।
कि तीन प्रकार के होते हैं त्रिभुज, पहला है समबाहु, दूसरा विषमद्विबाहु और तीसरा है विषमबाहु। तो समबाहु बता दिया, सम मतलब होता है बराबर, यानी कि ऐसा त्रिभुज, बाहु मतलब होता है भुजा, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु, समद्विव मतलब सम बराबर, द्वि मतलब दो, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और विषमबाहु मतलब जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। समझा दिया, यहाँ पे वो समझाएगा, फिर केंद्रीकरण के क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो फिर अगला प्रश्न आ गया कि समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब होता है। ठीक है, समझा दिया। तो अब भाई अब पूछेगा भी, भाई केंद्रीकरण के प्रश्न पूछना जानना जरूरी है कि भाई उसने जो पढ़ाया वो बच्चे समझे कि नहीं समझे, आवाज के स्तर को बदलते हुए और केंद्रीकरण का प्रश्न पूछते हुए। कैसा, क्या पूछा है समबाहु त्रिभुज, तो बच्चे जवाब देंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन पूछेगा फिर से कि अगर किसी त्रिभुज की केवल दो भुजा बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे। मतलब अब उसने डिफिनेशन दे दिया खुद ही कि दो त्रिभुज, दो भुजा बराबर है, अब क्या पूछा कि इसको क्या कहेंगे, तो क्वेश्चन क्या क्या उल्टा कर दिया, तो बच्चे क्या जवाब दे देंगे, इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर अगला सवाल पूछा कि क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करेंगे, बच्चे बताएंगे, और जो बच्चे बता रहा है आंसर उसको साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड पे बना के लिख के भी दिखाएंगे। बच्चे ने बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो त्रिभुज बनाएंगे शिक्षक ब्लैक बोर्ड के ऊपर और बताएंगे कि ये आधार है, ABC त्रिभुज है जिसमें BC आधार है और AD ऊंचाई है, और उसका फार्मूला निकाल के दे देंगे कि 1/2 गुणे BC गुणे AD। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, यदि किसी त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। और क्या किया, छात्रों को आपस में एक दूसरे से प्रश्न पर चर्चा करने के लिए का मौका देंगे और स्वयं जो है मौन धारण, यहाँ जाहिर सी बात है शिक्षक चुप हो गया, मौन धारण कर लिया, यानी कि बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे, पूछेंगे कि भाई क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, होता है ना क्लास में। तो फिर बच्चे आंसर निकालेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और सॉल्व करके निकाल लेंगे 9 सेंटीमीटर। ये थे आपके उद्दीपन प्रश्न कौशल। ठीक है, उद्दीपन प्रश्न कौशल के यहाँ का 8 से 10 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आप अपने सुविधा के अनुसार, आप कितना कैपेबल है किसी क्वेश्चन को पूछने के लिए, आप अपने उस आधार पे आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। उसके बाद हम जो दूसरा चीज होता है इसमें क्वेश्चन के बाद होता है निरीक्षण तालिका का नंबर आता है। निरीक्षण तालिका में कौशल के घटक लिखे होते हैं, तो आइए देखते हैं कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल के कौन कौन से घटक हैं। इसमें एज यूजुअल ऊपर में लिखेंगे छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका का नाम, फिर प्रकरण लिखेंगे त्रिभुज है हमारा, फिर कौशल के घटक लिखेंगे। तो कौशल के घटक हैं आपके, पहला है शरीर का संचालन। शरीर संचालन का क्या मतलब है कि सर आप क्लास में बैठ एक जगह ना बैठ के बल्कि कक्षा में बच्चों के बीच घूमते हुए, क्या आपने प्रश्न पूछा, एक जगह बैठे थे तो कि आपने घूमते हुए प्रश्न पूछा तो मूल्यांकन आपका हाँ में होगा, नहीं तो नहीं में होगा। फिर पूछा हाव भाव परिवर्तन, हाव भाव परिवर्तन का क्या मतलब, हाव भाव परिवर्तन का मतलब कि आपके आंख, हाथ, भाव, भंगिमा ये जो थी, क्या उसमें कुछ परिवर्तन था, या फिर बस एक जगह शांति से बैठ गए और पूछ रहे हाँ बेटा बताओ क्या था। ठीक है, तो अगर आपने उसमें कुछ चेंज किया है तो उसमें भी आपका ओके हो जाएगा। फिर तीसरा आवाज का स्तर, आपने आवाज का, जैसे कभी कभी होता है बच्चे को डांट के बोलते हैं या बच्चे बहुत पोलाइटली बोलते हैं या थोड़ी तेज आवाज में बोलते हैं, तो क्या आवाज का स्तर आपने चेंज किया, तो हाँ अगर चेंज किया तो ओके, नहीं तो नहीं में। ठीक है, फिर है मौन प्रक्रिया, मौन प्रक्रिया भी धारण किया जाता है, जैसे बच्चों से आपने कुछ क्वेश्चन पूछा फिर थोड़ी देर साइलेंट हो गया ताकि बच्चे स्वयं विचार करें, तो जब ये प्रक्रिया थी तो हाँ थी तो यहाँ ओके हो गया। फिर है ध्यान केंद्रीकरण, ध्यान केंद्रीकरण मतलब आपने जब स्पष्टीकरण दिया तो फिर बच्चों से दोबारा से आपने बोधात्मक प्रश्न पूछा, पूछा कि नहीं पूछा, तो हाँ हमने पूछा तो उसमें भी ओके हो गया। फिर पूछा अंतर क्रिया शैली में परिवर्तन, इसमें क्या था कि आपने किसी स्टूडेंट को जो कि बैठ के सुन रहा था आपकी बात, आपने खुद उसको मौका दिया ब्लैक बोर्ड पे आके काम करने का, तो हाँ जी बिल्कुल दिया था, यहाँ पे भी ओके हो गया। फिर पूछा श्रव्य दृश्य क्रम में परिवर्तन, जैसे कि पहले आपने क्या किया सैंडविच के दिखाया, फिर बाद में आपने खुद उसको ब्लैक बोर्ड पे बना के बताया, मतलब एक परिवर्तन हुआ ना कभी, या फिर आप करिए कोई चीज बोल के सुनाया, कुछ उसको बता के दिखा के सुनाया, तो इस तरह के क्रम में परिवर्तन करिए ताकि बच्चों में अट्रैक्शन, उनके अंदर जिज्ञासा बनी रहे कि हाँ आखिर सर क्या बता रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो ओके हाँ जी हमने ये भी किया। फिर छात्र सहभागिता, मतलब कि आप जब पढ़ा रहे थे तो बच्चों से भी पूछ रहे थे ना कि हाँ वो उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी चीजें उनको दोबारा समझा रहे थे तो बच्चे आपका आंसर दे रहे थे, जिस तरह की चीजें थी ना, ये नहीं कि बस आप क्लास में आए पढ़ाए और चल दिए जी, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स थे
जिसमें आपका मूल्यांकन किया जाता है। अगर ये सारे चीजें आपने की तो आपका मूल्यांकन ओके हो रहता है, आपका मूल्यांकन पॉजिटिव में आता है। और सपोज अगर आपने थोड़ी भी कमियां हैं तो ये सारी चीजें में कहीं भी निगेटिव आ गया तो कहा जाता है कि आपके शिक्षण कार्य में कुछ कमियां हैं, आप इसमें सुधार करें। ठीक है, उसके बाद आपके जो सहपाठी होंगे आपकी आलोचना एवं सुझाव आपके लिए लिखेंगे, जो भी आवश्यक आपके लिए होगा यहाँ लिख देंगे। सबसे नीचे लिखते हैं हस्ताक्षर सहपाठी तथा हस्ताक्षर निरीक्षक। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी उद्दीपन परिवर्तन शैली। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेसन प्लान में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।